Hello everyone and welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon. Well, आज का ब्लॉग है चांदनी चौक का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेट्रो से गेट नंबर 5 से एग्जिट लेते हुए जैसे ही निकले तो वहाँ पर बहुत सारी लोकल मार्केट से स्टार्टिंग थी जिसका नाम था तहगढ़ी. उसके बाद फिर टेंपल को फॉलो करते करते हम बाहर की तरफ जा रहे थे और सामने एक म्यूज़ियम है और उसके जस्ट अपोजिट है गुरुद्वारा. गुरुद्वारे की साइड की लेन में जैसे ही हम जाना शुरू करते हैं इतना सारा कलेक्शन फॉर गर्ल्स बहुत सारा, और दूसरी साइड खाने का इतना सारा स्टफ़ था. तो पहले ऑब्वियसली शॉपिंग करनी थी हमें, फिर बीच में हमने कुछ खा पिया. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे कलीरे टंग रहे हैं, लहंगास की वाइड रेंज है, उसके अलावा पोटलीज, बेल्ट, जो कुछ चाहिए लड़कियों को सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. मैं इयररिंग्स ग्रैब कर रही थी, सर्च कर रही थी, और मुझे अपनी साड़ी के साथ के लिए एक ब्लाउज़ भी लेना था. मेन वर्क था मेरा वहाँ फैब्रिक ढूंढना, तो मैं वो लेने गई थी. बट चांदनी चौक में मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक्सप्लोर कर रही थी, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था. यहाँ पर फैब्रिक के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई बिकॉज इतनी सारी वैरायटी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या पिक करूँ. तो मैं फैब्रिक ढूंढती रही. मुझे वाइट फैब्रिक चाहिए था डाई के लिए, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लहंगाज हर रेंज में, और इवन लेन्स बहुत सारी गलियाँ निकल रही हैं अंदर जिनके अंदर बहुत सारा मार्केट और खाने पीने का अगेन सामान बहुत सारा है. तो हमने कुछ कुछ खाया और फिर बीच बीच में कुछ कुछ शॉपिंग की, और फिर हम पहुँचे जग बहादुर कचौरी वाले भैया जी के पास जहाँ हमने उनकी कचौरी ट्राई की. वेल, अच्छी थी, ठीक थी. अंदर भी लेन्स में इतना सारा मार्केट है बस जिसकी कोई हद ही ना हो. और फैब्रिक, ओएमजी, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई थी. अच्छा, यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि आप बार्गेन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली कर सकते हो. लिटरली वो चीज़ बताएंगे 1200 की और वो आप 800 में लाओगे. इवन मैंने अभी आगे बताऊंगी, खैर वो छोड़ो, आप पहले फैब्रिक्स पे ध्यान दो, उसके अलावा लहंगास पे ध्यान दो जो लगे हुए हैं. अगर आप शादी करने जा रहे हैं और आपको चांदनी चौक से बेस्ट प्लेस मिल ही नहीं सकती है, यहाँ पे इतने सारे कलीराज, लहंगा, स्टिचिंग के लिए स्टफ़, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी इतना कुछ देखकर, बिकॉज इतनी वैरायटी मैंने पूरे दिल्ली में कहीं नहीं देखी है. परांदा, कलीरा और चूड़ा सब कुछ मिलता है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सुंदर लग्जरी सेट्स भी मिलते हैं, हर एक प्राइस में अवेलेबल होंगे आपको, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान मिलेगी. उसके अलावा यहाँ पर टेलरिंग का सारा सामान, इवन पर्ल्स की भी शॉप थी जहाँ पे आपको मतलब एक एक चीज़ मिल जाएगी. पर्ल्स अलग से खरीदने हैं वो मिल जाएंगे. और ये देखो चूड़े ही चूड़े, ये तो बहुत ही ज़रा सा कलेक्शन है वैनिटी और चूड़ों का. हमने बहुत सारा देखा था, एक तरफ एक साइड पे बहुत ही रीज़नेबल मार्केट थी और दूसरी तरफ खाने पीने के स्टॉल्स और रीज़नेबल प्राइजेस वाली ज्वेलरी शॉप्स थे. उसके बाद फिर हम मेरे ब्लाउज़ को सर्च आउट करने पहुँचे. वहाँ पे हम शॉप्स पूछ के जा रहे थे क्योंकि हमें इतना नहीं मालूम था, फर्स्ट विज़िट था मेरा. फिर हम पूछते पहुँचे कहीं ब्लाउज़ ढूँढने, और ये देखो कितनी सारी वैरायटीज़ हैं ब्लाउज़ की. अगेन मैं यहाँ भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या लूँ, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेंड के सारी चीज़ें मिलेंगी और बार्गेनिंग, दैट्स अमेजिंग. जो मेरे हाथ में ब्लाउज़ है वो 300 का पड़ा मुझे, हालाँकि उन्होंने 550 और 600 बोला था. उसके बाद हम एक ओपन एरिया में आ गए थे सेंटर में जहाँ पर बिल्कुल मेले वाला वाइब था, कैंडीज़ थी और वो बबल्स जो हम मेले में देखते हैं वो वाले, और कबूतरों को दाना डालने वाला भी था वहाँ पर. उसके बाद अगेन हम शॉपिंग करते हुए यहाँ पहुँचे इस लोकल शॉप पे जहाँ पे सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज जस्ट ₹100 में अवेलेबल थी. लिटरली सारी जितने भी ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं ट्रेंड में वो सब मुझे लगता है यहीं से लेके जाते होंगे, बिकॉज यहाँ पर सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कोई भी आप उठाएँ ₹100 में अवेलेबल थी. इवन पोटलीज भी साइड शॉप्स पर ₹100 में अवेलेबल थी. तो इट वाज जस्ट मतलब अमेजिंगली अफोर्डेबल, क्वालिटी ही क्वालिटी, और प्राइस रेंज भी बहुत ही ठीक था इनका. फिर हमने स्टॉपेज लिया नगोरा टी एंड कॉफ़ी पे, जो कि बॉम्बे फेमस इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था. यहाँ के हमने छोले भटूरे ट्राई किए और कुल्फ़ी ट्राई की, सॉरी लस्सी, हाँ ये लस्सी थी जो कि अमेजिंग थी. उसके बाद फिर हमने प्लान आउट किया कि हम सदर भी एक्सप्लोर करेंगे जो हम यहाँ तक आए हैं. सदर के लिए 1.5 किलोमीटर और आगे जाना था,
बट वो इतना क्लोज नहीं है जितना बताया जाता है। तो हमने एक रिक्शा ले लिया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बीच में आपको बहुत सारा स्पाइसेस की शॉप्स मिलेंगी। और अब हम सदर में एंटर कर गए थे। यहाँ पर अगेन आपकी बहुत सारी लोकल रोड साइड मार्केट आ जाती है जिसमें सब कुछ भी यहाँ पे हमें इवन कार्ड्स दे रहे थे वो लोग। चलते हुए ऑटो में हमें कार्ड्स दिए जा रहे थे कि आप हमारी शॉप पर आओ और देखो। एक्चुअली यहाँ पर आपका फ़ायदा जब ज़्यादा होगा जब आप बल्क में सामान लोगे। अगर आप बल्क में ले रहे हो तो वो आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट देंगे। और यहाँ पे आपकी टॉयज कुछ भी जो चाहिए वो वाली शॉप्स हैं। और भीड़ इस दिन कम थी, बाकी दिन और भी ज़्यादा होती है ऐसा हमें सुनने में आया था। किचन आइटम सब मिलता है। अब आप देखो कितना भीड़ है। हम डर गए थे देख के और हम जल्दी वापस निकलने की सोच रहे थे, बट जब हम आए तो इट वॉज़ वर्थ इट बिकॉज यहाँ पे अगेन अफोर्डेबल ज्वेलरीज लगी हुई थी। मैंने इनमें से एक सेट लिया था। ये सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, कोई भी मुझे दिखने में बेकार नहीं लगा था। और ये जो मेरे हाथ में है ये 700 का था, बट अगेन बार्गेन करके वो ठीक लगा लेते हैं। और फिर हमें हो गया था लेट बिकॉज हमें वापस भी जाना है। तो हम चल दिए मेट्रो स्टेशन वापस अपने अपने घरों की तरफ। आई होप यू लव द व्लॉग। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।